मैं आपको इस वीडियो में इस दोनों मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मैं इस दोनों मल्टीमीटर को यूज करता हूं रिपेयरिंग के वक्त। इस मल्टीमीटर में अलग से पॉइंट दिया गया है स्विच का, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का। और इस वाले मल्टीमीटर में डायरेक्ट पॉइंट दिया गया है ऑफ का। इसमें चार पॉइंट दिया गया है और इस मल्टीमीटर में तीन पॉइंट दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस वाले मल्टीमीटर में ट्रांजिस्टर का अलग से पॉइंट दिया गया है चेक करने के लिए। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है मल्टीमीटर। मैं आपको इस वीडियो में मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास दो मल्टीमीटर है और दोनों मल्टीमीटर यूनिटी कंपनी का है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये छोटा वाला येलो वाला मल्टीमीटर यूनिटी कंपनी का है और जो बड़ा मल्टीमीटर है वो भी यूनिटी कंपनी का है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है और इसका मॉडल नंबर है DT830D और इसका मॉडल नंबर है DT9205A DT9205A इसका मॉडल नंबर है। मैं आपको इस वीडियो में दोनों मल्टीमीटर को कंपेयर करके बताऊंगा। इस वाले मल्टीमीटर में बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं और इसके कंपेयर में इस मल्टीमीटर में इससे कम दिया गया है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले इस मल्टीमीटर के बारे में बता देता हूं। जैसे कि इसमें टोटल तीन पॉइंट दिए गए हैं, कॉमन पॉजिटिव और करंट के लिए अलग से पॉइंट दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कॉमन को हमेशा माइनस बोला जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कॉमन माइनस का पॉइंट है और यह पॉजिटिव का पॉइंट है। नेगेटिव का पॉइंट ब्लैक वायर, पॉजिटिव का पॉइंट रेड वायर और ये भी पॉजिटिव का पॉइंट है। करंट इसमें भी रेड प्रोब लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार इसमें चार पॉइंट दिए गए हैं इस मल्टीमीटर में, ठीक है। जैसे कि जो सेकंड लास्ट वाला पॉइंट है वो कॉमन का है, नेगेटिव का है, माइनस पॉइंट का है, ठीक है। जो ब्लैक प्रोब लगा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमारा पॉजिटिव का पॉइंट है, ठीक है। इसमें हम रेजिस्टेंस, वोल्टेज, कंटिन्यूटी और एसेट्रा और बहुत सारे मल्टीमीटर में नाप सकते हैं। और इसमें दो और पॉइंट दिया गया है, ये हमारा स्पेशल कैपेसिटर के लिए है, ठीक है। इस वाला पॉइंट
आप देख रहे हैं वो हमारा कैपेसिटर के लिए है, और जो फर्स्ट वाला पिन है वो हमारा करंट के लिए है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम 10 एम्पियर तक के करंट को नाप सकते हैं इस मल्टीमीटर में। इसमें बस ब्लैक प्रोब इसी में कॉमन रहेगा और बाकी सभी में रेड लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें रेड कलर का लगा हुआ है पॉइंट, इसमें भी रेड कलर का पॉइंट लगा है, इसमें भी रेड कलर का पॉइंट लगा हुआ है और इसमें ब्लैक कलर का पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें से फायदा है कि इसमें अलग से ट्रांजिस्टर के वैल्यू को देखने के लिए अलग से सेक्शन दिया गया है, NPN और PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर कलेक्टर बेस, ठीक है। इसी प्रकार अलग से सेक्शन दिया गया है। अब जो मल्टीमीटर के अंदर में जो सेक्शन होता है उसी के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा डीसी वोल्टेज का सेक्शन है, ठीक है, डीसी वोल्टेज का सेक्शन है, और ये हमारा एसी वोल्टेज का सेक्शन है, और ये हमारा डीसी वोल्टेज का डीसी एम्पियर करंट का सेक्शन है, ठीक है। जो एम्पियर लिखा होगा आपको दिख रहा होगा वह हमारा डीसी करंट का सेक्शन है। अब उसके बाद जो इस साइड लगा है ओम, ये रेजिस्टेंस का सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद तीन और सेक्शन देखने को मिलते हैं, बजर का रेंज, इसी में डायोड को भी चेक कर सकते हैं वैल्यू को, और आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें और इसमें क्या चेक किया जाता है, ठीक है। इस मल्टीमीटर में ये दोनों चेक नहीं हो पाता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा स्क्वायर वेव है और HFE। आप कमेंट में बताना कि इसमें क्या चेक किया जाता है। इसमें टोटल 7 सेक्शन दिए गए हैं चेक करने के लिए, इस मल्टीमीटर में चेक करने के लिए 7 सेक्शन दिया गया है, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस, बजर एंड डायोड सेक्शन, और स्क्वायर जो वेव बनता है, और HFE, और अलग से सेक्शन दिया गया है ट्रांजिस्टर के लिए NPN और PNP। और जो बड़ा मल्टीमीटर है उसमें देखते हैं कितना सेक्शन दिया गया है। इसमें टोटल 6 सेक्शन दिया गया है, जैसे कि मैं आपको 1x1 करके आपको बताऊंगा। जैसे कि ये हमारा रेजिस्टेंस मोड है, ठीक है, इसमें हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक कर सकते हैं, जिसमें ओम दिया गया है, और जैसे कि 200 ओम से लेकर 200 मिली ओम तक, मेगा ओम तक, सॉरी 200 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर के द्वारा। 200, 2000, 20000, 200000, 2 मेगा ओम, 20 मेगा ओम, 200 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को माप सकते हैं इस मल्टीमीटर से। और बजर का रेंज अलग से दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे हम
कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं पीसीबी सर्किट का, और डायोड रेंज में भी इसको टेस्ट कर सकते हैं डायोड को भी, ठीक है। यही हमारा बजर का और डायोड का दोनों एक ही सेक्शन दिया गया है। और इस मल्टीमीटर में हम 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं। इसका अलग अलग सेक्शन दिया गया है, 200, 2000, 20K, 20,000, 200, 1000, इसको हम 200 किलो ओम भी बोल सकते हैं, 2000 किलो ओम, 200 किलो ओम, 200 किलो ओम, 20 किलो ओम, 2000 ओम और 200 ओम तक के रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद है एसी करंट, ठीक है। इस वाले मल्टीमीटर में हम एसी करंट को भी चेक कर सकते हैं, कितना एम्पियर तक करंट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी चार सेक्शन दिया गया है, 10 मैक्सिमम 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर तक के चेक कर सकते हैं, 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 10 एम्पियर करंट, वो भी एसी करंट को, ठीक है। उसके नीचे में डीसी करंट दिया गया है, ठीक है, इसके नीचे में दिया गया है डीसी करंट। और इस वाले मल्टीमीटर में एसी करंट का सेक्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें एसी करंट नहीं चेक किया जा सकता, ठीक है। ओनली डीसी करंट चेक किया जा सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2000 माइक्रो एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 10 एम्पियर मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसी प्रकार इस वाले मल्टीमीटर में डीसी करंट को भी वैल्यू को नाप सकते हैं, जैसे कि 10, 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। एसी करंट, डीसी करंट दोनों नाप सकते हैं। और उसके बाद कैपेसिटर को मैं लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले मैं डीसी करंट, डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले एसी वोल्टेज देखते हैं। इसमें टोटल 5 सेक्शन दिए गए हैं एसी वोल्टेज चेक करने के लिए, 200 मिली वोल्ट, ठीक है, एसी 2 वोल्ट एसी, 20 वोल्ट एसी, 200 वोल्ट एसी, मैक्सिमम 750 वोल्ट एसी तक चेक कर सकते हैं। इसमें 5 सेक्शन दिए गए हैं। और इस वाले मल्टीमीटर में, जो येलो वाला मल्टीमीटर है, उसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं, 200 वोल्ट एसी और 750 वोल्ट एसी, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। आप इसमें डीसी वोल्ट देखते हैं, इसमें टोटल 5 सेक्शन दिए गए हैं, 1000 वोल्ट डीसी, 200 वोल्ट डीसी, 20 वोल्ट डीसी, 2000 मिली वोल्ट डीसी, 200 मिली वोल्ट। इसी प्रकार इस वाले मल्टीमीटर में देख लेते हैं। इस वाले मल्टीमीटर में 5 सेक्शन दिए गए हैं, 200 मिली वोल्ट डीसी, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट डीसी,
तक के चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर में, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस सारे मल्टीमीटर में एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है जो कि कैपेसिटर को भी वैल्यू को नाप सकते हैं, ठीक है। इसका भी 5 सेक्शन दिया गया है जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, 2, 2, 4, 5, मैक्सिमम 200 माइक्रोफराइड, 20 माइक्रोफराइड, 2 माइक्रोफराइड, 200 नैनोफराइड, 20 नैनोफराइड कैपेसिटर को नाप सकते हैं। और मैं इसी दोनों मल्टीमीटर को यूज करते आ रहा हूँ शुरू से ही, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं इस येलो वाला मल्टीमीटर को यूज करता था और इसमें कैपेसिटर चेक नहीं हो पाता था, तो मैंने इसको मंगवाया, ठीक है, ऑनलाइन परचेस किया था, जिसमें आप इसमें कैपेसिटर का वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में कैपेसिटर कैसे चेक किया जाता है मल्टीमीटर से, इसी मल्टीमीटर से, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर ले।